नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में हुए नतमस्तक। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अमृतसर से श्री राम तीर्थ तक रोड लाइट्स लगाने के कार्य का किया शुभारंभ, 2 महीनों में किया जाएगा पूरा। नाभा बार एसोसिएशन की ओर से नव वर्ष के आगमन पर श्री अखंड पाठ साहिब जी के डाले गए भोग, वित्त मंत्री ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंडी गोविंदगढ़ से अगले पड़ाव के लिए निकल गई है। मंडी गोविंदगढ़ के खालसा ग्राउंड से निकली यह यात्रा खन्ना में जाकर रुकेगी। रास्ते में हल्की बूंदाबांदी के बीच भी राहुल गांधी के कदम अभी भी आगे बढ़ते रहे। पंजाब में यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने सबसे पहले छोटे साहिबजादों की याद में बने श्री फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। इसके बाद वह रोज़ा शरीफ में माथा टेकने गए। इस दौरान वह लाल रंग की पगड़ी पहनकर यात्रा में भी चलते दिखे, जबकि गत दिवस से केसरी रंग की दस्तार सजाई थी। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक पंजाब में राहुल को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें आगे पीछे और दोनों किनारों पर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा है। अमृतसर में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की ओर से अमृतसर बाईपास से श्री राम तीर्थ तक लगभग 8 किलोमीटर में 308 खंभों पर 616 लाइटें लगाने के कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यहां पर 90 वाट की LED लाइट्स लगाई जा रही हैं, जिसमें लगभग 1,90,00,000 रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के मौके पर आने वाली शोभा यात्रा के समय पर सड़क पर काफी अंधेरा रहता है, इसलिए लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोड लाइट्स लगाने का काम शुरू किया गया है और ये सारा काम 2 महीनों के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर बाईपास तो लेके वाल्मीकि तीर्थ तक लगभग 8 किलोमीटर का एरिया है, ये असी लाइटा लाने का जोड़ा आ वो उपराला किया। लगभग 600 लाइटा लगनिया ने, क्योंकि तुम्हें पता है जदों भी संगत जी वाल्मीकि तीर्थ तक जाती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंता सीगा। वैसे भी अजक जोड़ा सीजन आ काफ़ी धुंध वाला सीजन आ और ये लाइटा की जी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो असी काफ़ी चिर तो सोच रहे थे कि ये एरिया पूरा कवर करके इतने प्रॉपर लाइटिंग की जाए। असी शुरू तो ही सरदार भगवंत सिंह मान साहब की जदों तक सरकार बनी है असी उदों तो ही कहा सीगा, पहले दिन तो ही कहा कि 0 tolerance टू करप्शन है। किसी कीमत पर कोई भी हो, राजनीतिक हो, ब्यूरोक्रैट्स हो, कोई भी हो, जेड़ा भी करप्शन करेगा वो तो एक्शन होएगा। करप्शन पे भी कोई करप्शन पे तो शुरू तो ही तुहानू सबनू पता है, तुहाडे माध्यम राही असीं पहलां भी कहा सीगा कि साडी 0 tolerance की पॉलिसी आ और उही 0 tolerance की पॉलिसी। नाभा बार एसोसिएशन की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष के आगमन पर श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसमें वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नए बने चैम्बरों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर नाभा बार एसोसिएशन के प्रधान ज्ञान सिंह मुंगे, पटियाला जिला के सेशन जज तरसेम मंगला, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन जस्सी सोहियावाला, एडवोकेट जेपी सिंह सभी सदस्य मौजूद रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अज नाभा बार एसोसिएशन के बीच साढ़े मानयोग जिला सैशन साहब पहुंचे ने, MLA साहब पहुंचे ने, कि अज जिहड़ा साढ़े चैंबरस ने सैकंड फ्लोर का उद्घाटन होया गा। सो मैं समझना बहुत ही एक वधिया सुविधा जिहड़ी आ साढ़े आने वाले समय के अंदर लिटीगेंट नूं जिहड़े साढ़े क्लाइंट आउंदे ने वकील साहिबान दे उन्होंने मिलेगी और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और साढ़े एडवोकेट साहिबान एक अच्छे एटमोसफेयर के अंदर बैठ के एक अच्छे वातावरण के अंदर बैठ के जिहड़ा हैगा लोगों को जस्टिस ते न्याय दवा सकणगे। देखो मैं ये समझदा भी जदों तक एक वकील को चैंबर नहीं है तो उनकी जिहड़ा ऑफिस चलना मुश्किल है
उन्हें क्लाइंट नूं अटेंड भी करना हुंदा है, अपना पढ़ाई भी करनी हुंदी है, ड्राफ्टिंग भी करनी हुंदी है। इस दे मद्देनज़र पहले ही हाई कोर्ट ने परमिशन इत्थे दे रखी सी, थोड़े जिहे चैंबर रहिंदे सीगे ते प्रधान जी ने रिक्वेस्ट कीती ते मंत्री साहब ने एग्री कर लिया। अज बाकी रहिंदे चैंबर असीं इत्थे कंप्लीट कर ले हैं, लक्की बंदियां नूं अज इन्हां ने हैंडओवर कर देना है। होप करते हैं भी होर सस्ता ते होर जल्दी न्याय लैके देंगे जिन्हां दी एडवोकेशन असीं ये चैंबर मिले। मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने अज अपने कर कमलों के नाल उद्घाटन किया। बार एसोसीएशन जिहड़ी नाभा है साढ़े प्रधान ज्ञान सिंह मोंगो जी ते सारी टीम जिहड़ी वकील भाईचारा इत्थे खड़ा ते साढ़े सैशन जज साहब तरसेम मंगला जी इत्थे विशेष तौर पर पहुँचे ने अज उद्घाटन किया सैकेंड फ्लोर का कि जो नवे चैंबर है क्योंकि वकील भाईचारे लिए बहुत जरूरी है उन्हों का उद्घाटन किया। तो इस शुभ मौके पर हरपाल चीमा साहब इतने आया, मैं दिल की गहराइयां तो उन्हों का इतने धन्यवाद करता और जी आया कहना बहुत अच्छा उपराला जी और ये वकील भाईचारे को बहुत वड्डी राहत मिलेगी। साढ़े सैकेंड फ्लोर जो चैंबर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई भी है पर उद्घाटन अज जो रस्मी तौर पर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरपाल सिंह चीमा फाइनेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े डिस्ट्रिक्ट सैशन जज श्री तरसेम मंगला जी साढ़े हल्के MLA सरदार गुरदेव सिंह जी देवमान पहुँचे ने उन्हों तो असी रस्मी तौर पर जब उद्घाटन कराया तो मेरे दे लई इह ते साढ़े समुचे वकील भाईचारे की बहुत खुशी की गल हैगी कि साढ़े फाइनेंस मिनिस्टर साहब चीमा साहब सैशन जज साहब इतने पहुँचे ने MLA साहब पहुँचे ने तो साढ़े समुचे वकील भाईचारे की बहुत खुशी है इस गल की ताकि वकीलों के लिए चैंबर होने बहुत जरूरी ने। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा नाभा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राकेश कुमार सिंगला के घर पहुंचे। इस मौके पर हरपाल चीमा को जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा किए गए आदेशों की पंजाब के जो PCS अधिकारी अपनी ड्यूटियों पर नहीं जाएंगे उन्हें सस्पेंड किया जाएगा इसका जवाब देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और मुख्यमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया है वह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी PCS अधिकारी 2 बजे से पहले अपनी ड्यूटियों पर आ जाएंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो भ्रष्टाचार जिहड़ा हैगा किसी भी लैवल का चाहे ब्यूरोक्रेट दे विच आ चाहे पॉलिटिशियन दे विच आ जां किसी होर मुलाजम दे विच आ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहड़ी मुहिम आ वो इस तरह जारी रहेगी। भ्रष्टाचार को जड़ तो खत्म करना जिहड़ा असीं अहद लिया गया उहनूं खत्म करके रहांगे। देखो भ्रष्टाचार नूं पंजाब दे अंदर श्रोमणी अकाली दल BJP ने पालिया पैदा किया, कांग्रेस पार्टी ने उहनूं अगे वधाया वड्डा किया। अज भ्रष्टाचार जिहड़ा पंजाब नूं जिहड़ा घुणमंग खा रहा हैगा उहनूं खत्म करना साडी सरकार दी प्रायोरिटी आ। आम आदमी पार्टी दा जन्म जिहड़ा हैगा भ्रष्टाचार दे अगेंस्ट उठी मुहिम दे विचों होया गा। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जिहड़ी एक बहुत वड्डी मुहिम देश दे विच उठी सी उस दे विचों आम आदमी पार्टी दा जन्म होया गा। सो भ्रष्टाचार नूं खत्म करना साडा मुख एजेंडा गा। सो सारे अफसर जिहड़े देंगे मैं समझदा बड़ी जल्दी जिहड़ा हैगा उह कम्म ते वापस परत। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा लोहड़ी का पर्व धियां दी लोहड़ी का संदेश देते हुए मनाया गया जिसमें चेयरमैन अनिल चोपड़ा वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जिनका स्वागत मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मनहर अरोड़ा और विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स द्वारा किया गया। लोहड़ी जलाकर उसमें तिल मूंगफली रेवड़ियां गुड़ इत्यादि डाले गए। इस अवसर पर सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंट सोल्जर पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंट सोल्जर फार्मेसी कॉलेज सहित सभी ब्रांचेस के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा चेयरमैन श्री चोपड़ा और वाइस चेयरपर्सन श्रीमती चोपड़ा से छात्रों ने लोहड़ी के गीत गाते हुए लोहड़ी मांगी। अंत में चेयरमैन अनिल चोपड़ा वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा सभी प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स और छात्रों द्वारा हाथों में बेटी बचाओ पोस्टर्स पकड़ बेटी की लोहड़ी मनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीना दादा डॉक्टर SC शर्मा डॉक्टर गुरप्रीत सिंह सैनी डॉक्टर अमरपाल सिंह संदीप लोहानी डॉक्टर किरपाल सिंह भुल्लर डॉक्टर अलका गुप्ता डॉक्टर RK पुष्करना रीना अग्निहोत्री सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
आपके हर पल में आपको फूल खिलें और हो उमंग का सामना जिंदगी भर जाए खुशियों से, लोहड़ी में यही है हम सबकी शुभकामना। लव यू ऑल, क्योंकि तियां दी लोहड़ी मनाई जा रही है और तियां जड़ियां हैं सेंट सोल्जर दियां बहुत बहुत कमाल कर रही हैं। और मैं एक गल कहूँगी कि इन्हों वालों मैं सेंट सोल्जर वालू सारियां कहना चाहनी हूँ कि वाकिफ कहाँ जवाना अभी हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, और ए बच्चियां वो करके दिखानगिया कि पूरे मुल्क पता लगेगा कि सेंट सोल्जर की हस्ती लोहड़ी के और मकर संक्रांति के मैं दिल को इन शुभकामना देश दियां नियां है और अपने समाज दियां नियां है, हर वक्त इतिहास रच के दिखानगियां। लव यू ऑल, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। अमृतसर के दो प्रमुख महिला संगठनों फुलकारी वुमेन और फिक्की फ्लो ने अपने सदस्यों के लिए एक संयुक्त समागम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर प्रसिद्ध कॉमेडियन और कलाकार साइरस ब्रोचा पहुंचे। इस मौके पर उनकी ओर से 400 सदस्यों को अपनी समझ और हास्य से मोह लिया। इस मौके पर फुलकारी WOA की प्रधान टीना अग्रवाल ने कहा कि फुलकारी अमृतसर का सबसे बड़ा महिला संगठन है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों में महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी को समर्पित है। इस मौके पर शिखा सरीन सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सेलिब्रेशन है और सब तो वड्डी गल है, बहुत ब्यूटीफुल लोहड़ी है, जो तो अमृतसर दिया दो मेन ऑर्गेनाइजेशन फिक्की फ्लो एंड फुलकारी। तो मैं शिखा सरीन फिक्की फ्लो चेयरपर्सन एंड फुलकारी तो टीना जी अपनी दोनों टीम के नाल इकट्ठिया हुई ने, एंड 6 ईयर्स हो गए जी, 5 ईयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन फिक्की नू, फुलकारी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। सो पहली बार होया है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठिया हुई ने, और अज लग रहा है जो साल सा एक मोटे वसी तय करके अगे चले सी शी फॉर शी, अज वो पूरा होया। एक लड़की जब दूसरी लड़की के नाल खड़ी होकर अगे बढ़ती है, तो आई बिलीव कि ये साड़ी सोसाइटी लिए बहुत बेटर एक पॉजिटिव नोट है। अरवाल, प्रेसिडेंट फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर, आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है फिक्की फ्लो और फुलकारी WOA हमने इकट्ठे ऑर्गेनाइज किया है। आज की इवेंट का नाम है जश्न। जश्न है एक सेलिब्रेशन दोनों पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आने का। 5 साल हो गए हैं हमें, ये हमारा 6th ईयर है और उनका भी 5th ईयर है। सो पहली बार हुआ है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे आई हैं। हमारे इवेंट्स भी होते हैं, उनके भी होते हैं, हमारा एजेंडा रहता है विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन। हम विभिन्न गेस्ट को एंड आर्टिस्ट को बुलाते हैं ताकि उनसे हमारे मेंबर्स कुछ सीख सकें, कुछ लर्न करें, कुछ एजुकेट हो, कुछ एम्पावर हो। बट ये एक अलग तरह का इवेंट है, और आज हमारे गेस्ट हैं साइरस ब्रोचा। वो शुरू से बहुत फेमस रहे हैं टीवी पे, लाइव शोज, मूवीज में आए हैं। पॉलिटिकल सेटायरिस्ट है, कॉमेडियन है, टीवी एंकर है, एक्टर है। सो उन्होंने आज लेडीज को बहुत एंटरटेन किया, एंड ये हमेशा से मतलब एक लोहड़ी सेलिब्रेशन भी है। आज लोहड़ी 2 दिन बाद है, तो हमने छोटी सी सेलिब्रेशन भी रखी है। तो हर तरह से वी आर सेलिब्रेटिंग द अमृतसरी वुमेन। आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नव नियुक्त प्रधान महंत करमजीत सिंह ने दमदमा साहिब में जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात से पहले वह तख्त श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर प्रधान करमजीत सिंह ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा आदेश और संदेश पर पहरा दिया जाएगा, जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हरियाणा में रहने वाली सिख संगत और गुरु स्थानों की चढ़दी कला अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए यत्न किए जा रहे हैं और सिंह साहिबों की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कमेटी में एकता बनाने के लिए सभी नेताओं के साथ मुलाकात की जा रही है और सभी पक्षों को साथ लेकर सिखी का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। सिंह साहब जी के दर्शन करने वास्ते तख्त श्री दमदमा साहब के चरण धूड़ मत्थे ते लाने वास्ते नवी बनी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यां की सफलता लई बेनती करने वास्ते सतगुरु के चरणों च आए हाँ। गाहे बगाहे असीं आंदे रहे हाँ। सिंह साहब जी नाल मेरा बड़े सालों तो प्रेम है। जदों ये उधर आते हैं साढ़े कोल होके जाते हैं, जदों असीं इत्थे आते हैं तो इन्हां कोल होके आते हैं।
इन्हों तो सीध ली चंगे काम अच्छे सुचजे तो गुरु नानक दे मिशन का प्रचार गुरु नानक दे कलगीधर पातशाह दे खालसाई निशान दी चढ़दी कला लई सिंह साहब जी तो कुछ आशीर्वाद प्राप्त किए इन्हों बारे। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य अपने हक के लिए संघर्ष करता हुआ अक्सर ही सड़कों पर दिखाई देता है, लेकिन जयपुर राजस्थान का रहने वाला शिवराज सिंह शेखावत, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी ओर से गौ माता को विरासती दर्जा दिलवाने के लिए पूरे देश में पैदल यात्रा शुरू की गई है। रामेश्वरम तमिलनाडु से दिसंबर 2021 से शुरू की गई ये पैदल यात्रा पंजाब में दाखिल हो चुकी है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर का सफर तय करने वाले शिवराज सिंह शेखावत ने बताया कि ठाकुर जी की कृपा से अब वह गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए ये पैदल यात्रा पूरे देश में कर रहे हैं और उन्हें पंजाब में आए हुए लगभग एक महीने का समय हो चुका है। उन्होंने बताया कि वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कई नामी कंपनियों में काम कर चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से अब गौ माता को मान सम्मान दिलाने के लिए उनकी ओर से ये पैदल यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज की नौजवान पीढ़ी धर्म से जुड़े और अधिक से अधिक गौ माता से संबंधित बनने वाले प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करे ताकि लोगों को गौ माता की महत्ता के बारे में पता चल सके। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत। आप कहाँ से आए हो, ये यात्रा किस लिए की गई जी? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और यात्रा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से प्रारंभ की है और अभी यात्रा को 13 महीने हो चुके हैं। किसको लेकर की जा रही है यात्रा? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, देसी गौवंश को बढ़ावा मिले, जितनी भी गौशालाएं हैं वो देसी गौवंश की नस्ल सुधार पे काम करें। कितना टाइम हो गया आपको चलते वहाँ से? अभी मुझे 13 महीने हो चुके हैं और 14 राज्य कर चुका हूँ। किस किस आपको सामना करना पड़ा ही? मुश्किलों का मुश्किलें तो अभी तक कुछ नहीं आई। जो प्राकृतिक होती है मतलब गर्मी का सामना, मौसम वो है, गर्मी सर्दी बारिश इनका सामना करना। बात की जाए खाना पीना रहने सहने का कैसे? वो सब ईश्वर के भरोसे है, शाम को जहाँ पहुँचते हैं ईश्वर की कृपा से व्यवस्था हो जाती है सारी। बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 2017 में पास आउट हूँ। कितनी देर चलेगी यात्रा? ये यात्रा 2.5 साल की है जिसमें से 13 महीने हो चुके हैं, अभी साल भर चलेगी जनवरी 2024 तक। अब आगे कहाँ जाना है आपने? अभी आगे आज भटिंडा आपसे मुलाकात हुई है, इसके बाद में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर। हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिंदू नेताओं की ओर से जालंधर के मिठा बाजार स्थित लाहौरिया मंदिर में शुरू किए गए श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ की श्रृंखला के तहत श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। इस मौके पर शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कम्बोज ने कहा कि हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिंदुओं को साथ लेकर बहुत जल्द ही 20 जनवरी को शिवसेना उत्तर भारत भगवा मार्च निकालने के लिए तैयारियाँ कर रही हैं, जिसमें 200 के करीब शिव सैनिक सर्किट हाउस से चलकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक जाएंगे, जिसमें साधु समाज और हिंदू नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय चेयरमैन कपिल वर्मा, जिला जालंधर के प्रधान विवेक कौशल, राष्ट्रीय प्रभारी सोनू थापर, उप प्रधान दीपक तिवारी, विकास, सोहम गोरा, राजेश, हनी, मनी, रोहित, चंद्र प्रकाश एवं चांद भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट।
शिवसेना उत्तर भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंबोज, असी जिहड़ा प्रोग्राम शुरू किया हर मंगलवार दे मंगलवार हनुमान चालीसा जी का पाठ लाहौरिया मंदिर तो शुरू किया आ, हौली हौली असी छोटे छोटे मंदिरों दे विच हनुमान चालीसा जी का पाठ करावांगे। एक गल होर दसना चाहना है, शिवसेना उत्तर भारत की ओर तो 20 तरीक नूं एक सर्कट हाउस के कोलों चल के कमिश्नर दफ्तर तक 200 के करीब शिव सैनिक इकट्ठे होकर भगवा मार्च कढ़ांगे। मैं शिवसेना उत्तर भारत वालों विवेक कौशिक जिला प्रधान, अज जो कि आप लाहौरिया मंदिर हनुमान चालीसा जी का पाठ रखा है, ये हनुमान चालीसा जी का पाठ असी हर मंगलवार साड़ी कोशिश ये होएगी कि शहर के हर छोटे मंदिरों से करवाया जाएगा। प्लस अपना 20 तरीक न जोड़ा आप मार्च चुका है भगवा मार्च है, वो 20 तरीक न साड़ी कोशिश ये होएगी कि वो तो कट्ठा करके तो आप मौके पर पहुँचांगे। मोरिंडा में डीसी रूपनगर प्रीति यादव और नगर कौंसिल अधिकारी मनप्रीत सिंह की ओर से शेल्टर होम का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां पर किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। इस मौके पर डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने कहा कि ठंड के प्रकोप के चलते शहर के शेल्टर होम्स का दौरा किया गया है ताकि गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को रात के समय छत के नीचे ठंड से बचने के लिए आवास प्रदान किया जा सके। वहीं ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए हैं। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। एमसी मोरिंडा के जो नैट शेल्टर बनया हुआ है, अज डीसी मैम आए थे, उन्होंने विजिट किया, जो भी इतों के एमसी मोरिंडा वालों प्रबंध किए गए हैं वो सारे प्रबंधों का जायजा लिया। असी मैं थोड़े तो सारे दसना भी चाहना कि नगर कौंसल मोरिंडा वालों जो ये हिंदू धर्मशाला के नैट शेल्टर चल रहे हैं, इस कोई भी लोड़वंद व्यक्ति जिस को रहन वास्ते अपने को जगह नहीं है वो कदों भी इतने आ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट एमसी मोरिंडा वालों उन्होंने इतने रखा जाता है। सर किन्ना चिर रह सकता बंदा उरे? पूरे जिन्ना चिर भी वो चाहे रह सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जी प्रॉब्लम आती है वो सर्दियों ही आती है। तो इसका असी बस स्टैंड के रेडियो स्टेशन के साड़ी जी टीम है वो हर रोज़ उत्थे राउंड लगाती है। जे कोई इदा का पर्सन मिलता है जो उत्थे है वो कोल घर वगैरह नहीं है तो असं इतने रात रख का प्रबंध है। सर ये बारे यही है थोड़ा लोगों को भी जागरूकता कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है शीतलहर चल रही है, ठंड के मौसम में रहन बसेरे की लोड़ होर बढ़ जाती है, तो लोगों को पता भी रहन कि जी इदा के प्रबंध हर कमेटी किए गए है जिते सारा ठंड का समान तो बाकी सारा भी असं रखते हैं, तो इतने जिदा अब लोड़ सी तो मेडिकल टीम भी मौजूद है। तो यही है कि जी कोई भी बंदा जिसनों लोड़ हैगी इदा के जो सरकारी असी बनाए हुए हैं रहन बसेरे बेघर वास्ते वो उत्थे आ सकते हैं तो इन्हों का लाभ उठा सकते हैं। मैडम खाण पीन का समान भी अवेलेबल है इन्हों जी? इन्हों के कोल जी जिन्ना साडा मैंडेट रहिंदा है उन्ना असीं सारा कुछ देंदे हैं, जेकर किसी के कोल नहीं हैगा तो असीं उह मुहैया मेडिसिन वगैरह मेडिसिन भी जिदा अज तुहाडे सामने मेडिकल टीम आई हुई है तो जिसनों लोड़ मुताबिक हर बंदे का असीं सारा प्रबंध करते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य को संभालने और शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का प्रचार करना बहुत बढ़िया कार्य है। अलर्ट जिम जालंधर के बलराज खेरा की ओर से लोहड़ी फिटनेस दी नामक कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक करवाया गया, जिसमें गुरजीत थिंद ने जानकारी देते हुए कहा कि समाज में फिटनेस की जागरूकता फैलाने के लिए शहरवासियों के सहयोग से क्रॉस फिट गेम्स रस्साकसी सहित फन एंड फिटनेस मुकाबले करवाए गए जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर भांगड़ा की रानी ऐश्ले कौर के साथ सभी शहरवासियों ने नाचकर इस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर्स देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। दैनिक सवेरा वाली टीम नूं बहुत-बहुत मुबारकां और असीं शुक्रगुजार हैं सारे शहर दे जिन्हां ने रल के उपराला किया और अलर्ट जिम दे और मैडम साढ़े नाल आए हुए ऐशले और साढ़े जिन्हें भी स्पोंसर सपोर्टर्स रेडियो सिटी जिन्हें भी जिन्हां ने सानू सपोर्ट किया जिन्होंने करके ये उपराला कर रहे हैं लोहड़ी मना रहे हैं। लोहड़ी पंजाब का एक बड़ा अहम त्यौहार है। अजकल जिदा हर चीज़ के डाइवर्सीफिकेशन हो रही है तो असी कोशिश की है कि लोहड़ी के क्यों ना फिटनेस पाई जाए। अज असी भंगड़े भी पावे डंड भी मरावे
और जिहड़े बच्चे छोटे छोटे देखण आए आ शायद वो इस चीज़ नूं देखणगे उन्हां दे जहन च बैठूगा कि क्यों कर रहे हैं किस तरीके नाल उन्होंने मन च वड़न की कोशिश है कि वह खेडां नाल प्यार कर स्पोर्ट्स नाल प्यार कर अपने शरीर नाल प्यार कर और असी सारे शहर वासियों का सारियां दा जो सानू इस वीडियो राही देख भी रहे साडे इवेंट दीआं झलकियां जिन्हां देखियां सारिआं नूं असीं लोहड़ी दे मुबारकां दिंदे हां और सारिआं नूं मुहब्बतां भेज रहे हां सारे खुश रहो चढ़दी कला च रहो धन्नवाद। सत श्री अकाल जी, मैं अलर्ट जिम तो असी लोहड़ी ईवेंट मना रहे हैं। पहली गल तो दैनिक सवेरा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, वो इत्थे पहुँचे ने एंड सानू मीडिया सपोर्ट दे रहे हैं एंड नाल ही मैं अपने सारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करांगा जिन्हां दी बदौलत असी ईवेंट कराउण दे विच सक्सैस होए हैं। असी फिटनेस का कैंप ला रहे हैं, सारे शहर वासियों नू फिटनेस देने की ट्राई करते पे हैं कि फिटनेस की हैगी है तो फिटनेस नू लगे लगे अं प्यार मुहब्बत वंड रहे हैं। आजो सारे जने प्यार नाल आपां लोहड़ी मनाईए एंड फिट रहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸ਼ਲੀ ਕੋਰੀਨ ਔਰ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਰਟ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋ ਫਿਟਨੈਸ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। मुखी धाम नज़दीक लम्बा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में माता की चौकी का आयोजन किया गया। इस माता की चौकी की शुरुआत महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक कलाकारों महंत अश्विनी शर्मा एवं विधायक रमन अरोड़ा ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को देर रात तक झूमने पर विवश कर दिया। वहीं चौकी में उपस्थित मां भक्तों की सर्द भरी रातों में भी आस्था खत्म नहीं हुई, बल्कि देर रात तक भक्त भजनों पर झूमते हुए नजर आए। तो वहीं माता की चौकी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज का जन्मदिन भी केक काटकर संगत की तरफ से मनाया गया। नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद के रूप में प्रवचनों का आशीर्वचन देते हुए मन वचन एवं काया का विश्लेषण करते हुए कहा कि मनुष्य को यह तीन साधन इस शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं, इसी से नरक त्रियंच मनुष्य देव गति में जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी आत्मा अरहिंत बनी है वह भविष्य में भी बनेगी, वे भी मन वचन और काया को परम विशुद्ध बनाकर ही बनी है। मनुष्य को आज भी यही तीनों साधन प्राप्त हैं, लेकिन मनुष्य ने इनका महत्व नहीं समझा। वह सोचता है कि यह तो सहज ही प्राप्त हो गए हैं, परंतु आगम अनुसार अनंत पुण्य उदय से ही ये साधन प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह हमेशा मन वचन और काया को शुभ से शुभतम बनाने का प्रयास करे। अंत में मां भक्तों के लिए प्रसाद रूपी लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी, श्रीकंठ चज, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट
एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, विक्रम भसीन, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ बल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सांवरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पैरां विच पाके घुंघरू मैं जो कण बन जावां, पैरां विच पाके घुंघरू मैं जो कण बन जावां।
प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी और धुंध ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट दिया गया था, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी शुरू हो गई है। इसी के तहत लाहौल और स्पीति में भी हिमपात शुरू हो गया है। आप टीवी पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, लाहौल घाटी के गाँव गोंधला की हैं, जहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है, जिस कारण लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। वहीं पहाड़ों में हुई इस बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। यामाहा संगीत ग्रुप के संचालक विजय सोहोता, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विजय सोहोता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, ज्वाइंट कमिश्नर राजेश खोखर, पूर्व विधायक केडी भंडारी, विपिन सब्रवाल, राजू मदान, चेतन होंडा, जितेंद्र निक्का, अजय जोशी, अनिल सच्चर, शशि शर्मा, पुरुषोत्तम सोंधी, बंटी नीलकंठ, दर्शन कपूर ढिल्लो, दिनेश ढल, राजकुमार सहगल, बाबा प्रगटनाथ, आनंद बैंस, शिवा शर्मा, विजय अटवाल, काकू अटवाल, प्रदीप पुजारी, लिंकी, पारिवारिक सदस्यों में विशु सहोता सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विजय सहोता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम जहाज पर चढ़ बैकुंठ को जाए। बंदगी करनी पैनी है, वाल्मीकि नाम ध्याना पैना है। वाल्मीकि नाम सत्य है, वाल्मीकि नाम सत्य है। तो उस बैकुंठ की सैर करनी है, उस बेबान के ऊपर बैठ के लेट के जाना है। वाल्मीकि सत्य नाम को जो सिमरे मन लाए, जो सिमरता है मन के नाम, सच्चे नाम जहां सच्चा नाम उस परमात्मा का, उसके नाल तेरा जीवन जरा है उत्तम होना है, खास होना है। मालिक की उम्मीद नाम भजन है, बंदिया शुभ कर्म करया कर, किसी का मन ना दुखाया कर। ये मन जरा है तेरा चंगा होएगा, एक टोटी दे विच गंगा भर जाएगी। गुरु रविदास महाराज कहते, मन चंगा कटोटी दे गंगा। मन जरा है पवित्र करना है, मन को शुद्ध करना है। इसलिए कहा गया है कि आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। उस परमात्मा का नाम सवेरे शाम जरा भज लेता है, उसमें हिरदे के वसा लेता है,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਚ ਜਾਇਆ के उड़ी जाना आंचली से जिंदगी ने कब लाके उड़ी जाना बिन बजने मेर था है जीवन अनजाना बिन बजने मेर था बठिंडा में पिछले कई दिनों से पड़ रही ठंड के कारण दुकानदारों के कामकाज चौपट हो गए हैं, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे और ना ही बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर दुकानदार और रेहड़ी वालों का कहना था कि बठिंडा में पिछले दिनों से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। धुंध की सफ़ेद चादर सुबह शाम दिखाई दे रही है, जिस कारण उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे और उनका कामकाज चौपट हो गया है, जिस कारण उनके लिए दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। सर जी, ठंड इन्नी पै रही है, 12 बजे बोनी होंगी है, कभी 1 बजे बोनी होंगी है, तो 12-1 बजे कस्टमर आता है, 4:30-5 बजे खत्म हो जाता है, कम बोनी बट्टा होता है, बस 100-200 रुपया बटने हैं। तो इन्नी ठंड पै रही है बठिंडे, बहुत ज़्यादा ठंड पै रही है अभी तो। धुंध तो 5 बजे आ जाती है, 6 बजे इन्नी धुंध पैंती है, आदमी नहीं दिखाई देता भी, इन्ना बुरा हाल है। रात में भी बहुत बुरा हाल है, सवेर में भी बहुत धुंध पै रही है। नहीं निकलते, कोई भी 1 बजे बोनी होंगी है, कभी 2 बजे बोनी होंगी है। पैरी से बुरा हाल ही है, टाइम पास जो करी जाने कम बिल्कुल कटिया वे है, रुपये चार इन्ने भी है नहीं गा। की कारण की है, क्यों कटिया? ठंड के करके जी, बंदा का पानी झत पैंता नहीं तो जूस की पीऊगा। गुजारा धुंध पैन के कारण जमा भी गाहक नहीं है, बोनिया औखे हुए हैं, सवेरे लेट तक ठंड रही है, धुंध पी रही है, शाम को 4-5 बजे धुंध शुरू हो जाती है, गाहक जमा ठप हो जाते, सा किराए भी नहीं पूरे होंगे गए, ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਕੌਣ। कोस्मो ग्रुप के मालिक प्रवीण आहूजा की माता चांद रानी आहूजा का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय चांद रानी आहूजा को मुखाग्नि उनके बेटे प्रवीण आहूजा ने दी। इस मौके पर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड से मिस्टर वोम, जोनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर जय सक्सेना, रीजनल सेल्स हेड जयनीत सिंह थिंद और पारिवारिक सदस्यों में दिव्या आहूजा, महाजन गौरव महाजन, राधिका आहूजा, डॉक्टर रविंदर सिंह, पूनम आहूजा, रिया आहूजा, पंकज आहूजा, राघव आहूजा, कुमार राज, राजेश कोहली, सुरेंद्र कोहली, राजीव कोहली, रमित दत्ता, रोहित विज, नरेंद्र कौशल, उमेश, पंकज शर्मा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय चांद रानी आहूजा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में हुए नतमस्तक। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अमृतसर से श्री राम तीर्थ तक रोड लाइट्स लगाने के कार्य का किया शुभारंभ, 2 महीनों में किया जाएगा पूरा। नाभा बार एसोसिएशन की ओर से नव वर्ष के आगमन पर श्री अखंड पाठ साहिब जी के डाले गए भोग, वित्त मंत्री ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।